दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। बहुत ही लंबे टाइम बाद ये व्लॉग डाल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ स्ट्राइक एंड पॉकेट पे, अपने मेन यूट्यूब चैनल पे। व्लॉग चैनल पे बहुत ही कम एक्टिव हूँ, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ जूडियो शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ। सही बोलूँ तो कपड़े मेरे कबाड़ में बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं सोचा चलो यार सस्ती शॉपिंग होती है जूडियो में। बहुत नाम सुना है जूडियो का, तो जाकर देख लेते हैं। अगर कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे। पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं अभी पनवेल में हूँ और हमारे पास में यहाँ पे दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन कौन से हैं? एक तो न्यू पनवेल में भी जूडियो है और एक खारगर में है। मैंने सुना है खारगर वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो हो सकता है वहाँ पे हमें ज़्यादा वैरायटीज़ देखने मिले। तो मैं अभी जा रहा हूँ खारगर। यहाँ से कुछ 10-15 मिनट का रास्ता है, तो चलते हैं खारगर। एक्चुअल में जूडियो में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी और ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी। मैं तो चल गया जूडियो में रिकॉर्डिंग करने के लिए और बाद में मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग अलाउड ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैंने जो लिया है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा। अभी मैं पहुँच चुका हूँ घर पर, तो अभी इफ्तारी का वक्त है, इफ्तारी करता हूँ और फिर आप लोग को बताता हूँ मैंने क्या परचेस किया है जूडियो से और कैसा लगा, क्या प्राइसिंग है, सारा सब कुछ। आप लोग को बताता हूँ कि मैंने क्या लिया है, लेकिन उससे पहले अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जो सस्ता बोल रहे हैं वो थोड़ा सा ओवर हाइप क्रिएट कर रहे हैं। लोग सस्ता नहीं है, अफोर्डेबल है। जिस हिसाब से क्वालिटी है उस हिसाब से राइट प्राइजिंग है, मैं बोल सकता हूँ। सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है। अगर आप कंपेयर करोगे ज़ारा और बहुत जो टॉप ब्रांड है गुच्ची वगैरह से, तो बहुत सस्ता है। लेकिन मैं क्वालिटी के हिसाब से अगर कंपेयर करता हूँ तो क्वालिटी नॉर्मल है, एकदम ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन एक वन रूफ में एक जगह पे आपको सारा सब कुछ राइट प्राइस पे ठीक ठाक सी क्वालिटी में मिल जाता है, वो उसकी क्वालिटी है या स्पेशलिटी है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और अगर मैं बात कर रहा हूँ प्राइस की, तो एकदम ज़्यादा कम नहीं है। हाँ, बिल्कुल कम प्राइस के कपड़े आपको देखने मिलेंगे वहाँ पे, लेकिन उसकी क्वालिटी भी वैसी ही है। तो मुझे जो पसंद आए कपड़े, मेरी जो चॉइस है वो बहुत ही सिंप्लिसिटी है, मतलब ज़्यादा फैंसी कपड़े मैं पहनता नहीं हूँ। तो मेरे लिए जूडियो एक अच्छी चॉइस हो सकती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फंकी जैसे कपड़े चाहिए, बहुत ज़्यादा फैंसी क्लोथ चाहिए, तो उन लोगों के लिए जूडियो एक बहुत ही ख़राब चॉइस होगी। उन लोगों को बिल्कुल भी वहाँ पर ऑप्शन देखने नहीं मिलेंगे, बिकॉज एक ही तरह के बहुत ज़्यादा कपड़े आपको देखने मिलते हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि फंकी और फैंसी कपड़े तो आपको बिल्कुल भी नहीं देखने मिलेंगे। जो रेगुलर यूज़ में आप घर में या फिर बेसिक चीज़ों के लिए जो कपड़े यूज़ करते हो, वैसे कपड़ों के लिए एक अच्छी प्लेस हो सकती है जूडियो, ऐसा मुझे लगा। और बाकी ये मेरा एक्सपीरियंस था। मैं बोलूँगा कि ओवर हाइप क्रिएट करके रखी है, इतनी ज़्यादा वैरायटी मुझे नहीं देखने मिली। लेकिन हाँ, एक सही प्राइस पे सही कपड़े अगर आपको चाहिए तो वो आपको जूडियो में मिल जाएंगे। अभी मैं आप लोग को बताता हूँ मैंने क्या क्या परचेस किया है। दोस्तों, सबसे पहले है ये टी शर्ट, जो स्ट्रिप्स में मुझे थोड़ी अच्छी लगी, तो थोड़ा अलग है, यूनिक है। ये है 449 की, अभी मैं ट्रायल करके भी आप लोग को दिखाऊंगा। उसके बाद में मुझे एक और टी शर्ट मैंने ली, जो कि थोड़ी सी अच्छी लग रही थी ट्रायल करने के बाद। तो ये 399 की है, यानी 400 रुपये की। और एक टी शर्ट है यहाँ पे, तो तीन टी शर्ट मैंने जूडियो से लेकर आया हूँ जो कि मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ। और ये टी शर्ट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, 599 में। इसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, तो ये मेरी फेवरेट चॉइस थी। ये भी मैं ट्राई करके आप लोगों को बताता हूँ।
तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में मुझे नीचे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लेके आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।